बेसिकली डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चरिंग को मैं चार पार्ट में डिवाइड करता हूँ। इन चार पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो पहला होता है मशीनरीज, सेकंड पार्ट होता है पैकिंग मटेरियल, एंड थर्ड पार्ट इज रॉ मटेरियल, एंड फोर्थ इज फॉर्मुलेशन। आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे वीडियोज में देख लिया होगा, बट स्टिल मैं अब आपको एक बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमें बेसिकली इसमें तीन से चार मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है, मेजरली तो दो ही होती है, बाकी फिर पैकेजिंग होती है। द नंबर वन इज मिक्सर मशीन। मिक्सर दो टाइप के होते हैं, पैन मिक्सर और रिबन मिक्सर। बेसिकली पैन मिक्सर एक बहुत ही पहले का पुराना कंसेप्ट है, लोग पहले इसको यूज करते थे, और आज की डेट में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती हैं, तो रिबन मिक्सर इज वन ऑफ द बेस्ट मिक्सर, जिसमें आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी मिक्सिंग मिलती है, जो एक्टिवनेस है आपके डिटर्जेंट की वो कम नहीं होती है। पैन मिक्सर की बात करूँ तो पैन मिक्सर बेसिकली क्या होता है कि एक राउंड पैन होता है जिसमें वो एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है, या तो वो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब मैं इसको आपके एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपने घर में एक मिक्सर होता है, मिक्सर या जूसर ग्राइंडर होता है, हमें अगर मसाले पीसने होते हैं तो हम उसमें डालते हैं और वो उसको रोटेट करता है और आपके मसाले पीस जाते हैं, बट हमें यहाँ पे कोई चीज़ को पीसना नहीं है, वी डोंट हैव टू ग्राइंड एनीथिंग, वी हैव टू स्लोली मिक्स अप। तो अब अगर हम रिबन मिक्सर की बात करें, उसका मैकेनिज्म, उसका ब्लेड्स इस तरह से डिज़ाइन होता है कि आपको मैक्सिमम मिक्सिंग मिले इन अ शॉर्टर टाइम, वो ब्रेक नहीं होते हैं। ये आपको बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। सेकेंडली जो सेकेंड मशीन इसमें लगती है वो होती है केज मिल, जिसे हम स्क्रीनिंग मशीन बोलते हैं, जिसे हम छन्ना मशीन बोलते हैं। मिक्सर में एक बार हमारा जो भी रॉ मटेरियल मिक्स कर लेते हैं, उसको निकालने के बाद हम सीधे केज मिल में हम इसको फिल्टर करते हैं। मिक्सर में सब चीज़ें मिक्स होती है तो उसमें लम्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं, उसको हमें और रिफाइन करने के लिए, फाइन पाउडर करने के लिए हम केज मिल का यूज़ करते हैं। और केज मिल इज द सेकेंड प्रोसेस जहाँ पे हमारा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। एंड द थर्ड पार्ट इज मशीनरी, पैकेजिंग मशीन। पैकिंग मशीन हम अब अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि डोंट गो फॉर ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन जो है वो इट्स नॉट दैट चीप, थोड़ी महंगी आती है, उसको चलाने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, बिकॉज इट हैव लॉट ऑफ मोर सेटिंग्स, उसमें कैमराज हैं, उसमें सेंसर हैं, उसमें द गियर्स हैं, यू हैव टू एडजस्ट। वो इनिशियल लेवल पे आप सोचें कि आप वो कुछ चला लेंगे तो इट्स नॉट दैट पॉसिबल। जब आपका प्रोडक्शन हाई हो जाता है, पर डे आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है कि आप मैनुअली उसको नहीं कर पा रहे हैं, तब डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ऑटोमेटिक मशीन। थर्ड मशीन जो है वो है पैकिंग मशीन, मैनुअली आप उसको पैक कर सकते हैं। फोर्थ मशीन जो लगती है वो होती है आपकी बैग सीलर मशीन। सिंपल, जब आप पाउचेस पैक करते हैं 25 केजी के बैग्स में, पीपी बैग्स में, तो उसको हमें सील करना होता है, तो वो एक सिलाई मशीन है, सिंपल सा प्रोसीजर है और वो सिलाई हो जाती है। दिस इज द फोर मशीन, बहुत सिंपल है, आपने देखा भी होगा। एंड नाउ विल कम टू द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत शायद इस बारे में बहुत एंड में बात करते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो है पैकिंग मटेरियल। देखिए, पैकिंग मटेरियल के लिए क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको एक ब्रांड नेम डिसाइड करना पड़ता है जो आपको अपने पाउचेस के ऊपर चाहिए। सपोज़ आप एक्स वाई जेड व्हाटएवर आपका जो ब्रांड नेम है वो डिसाइड करते हैं। सेकंडली, उसमें आपको डिज़ाइनिंग करवानी पड़ती है, ट्रेडमार्क कराना पड़ता है। सपोज़ करिए अगर आप कुछ भी ब्रांड नेम आप रखते हैं और वो किसी और पर्सन को के पास है, यूज़ कर रहा है, तो आप उस ब्रांड को नहीं यूज़ कर सकते। तो इतना सारा जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं पाउचेस में, वो आपका बच जाएगा अगर आप पहले ही उसको रजिस्टर करा लेते हैं। रजिस्टर इट्स अ काइंड ऑफ सर्च, वो गवर्नमेंट साइड होती है और वो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा के दें। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो हम भी करते हैं, इट्स अ वेरी नॉमिनल फीस, और गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पे होता है, तो कुछ ही दिनों में वो अपडेट भी हो जाता है और वो वहाँ पे आपका ब्रांड नेम शो होने लगता है। तो जब हमारा ब्रांड नेम रजिस्टर हो जाता है, देन द थर्ड प्रोसेस इज उसका डिज़ाइनिंग। सपोज करिए कि आप हाफ के जी, वन के जी या 10 रुपीज़ में आप तीन साइज बनाना चाहते हैं, तो हम एक पेन थोड़ लेके चलते हैं, पाउचेस तो क्या है, हम जितने चाहिए हमें मिल जाएंगे, हम जितना चाहें बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए, पाउच बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग, जब आपका डिज़ाइन रेडी हो जाता है तब उसके सिलेंडर्स बनते हैं। सिलेंडर्स क्या होता है, सिलेंडर एक तरीके का एक डाई है। सपोज़ आप अगर हमें एक सील बनानी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सील बनाने से पहले या प्रिंट सील बनाने से पहले क्या करते हैं, उसके एक ब्लैंक बनाते हैं जिसको हम इंक में डबो के हम प्रेस करते हैं, तो जिससे हमारा इम्प्रेशन आ जाता है। इसलिए सिलेंडर भी वही है, सिलेंडर की कॉस्ट भी होती है, दैट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 28,000 to 30,000 एक साइज़ के लिए। अगर आप मान लीजिए तीन साइज़ कर रहे हैं तो आपको तीन अलग अलग सिलेंडर्स बनाने पड़ेंगे,
एक सिलेंडर का कॉस्ट है 80 to 30,000, अगर तीन बनाएंगे तो यू विल कॉस्ट यू अराउंड 90,000 रुपीज़। ये सिर्फ आपका 90,000 इन्वेस्ट हो रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर्स में। अब हम बात करते हैं प्रिंटेड लैमिनेटेड पाउचेस की। प्रिंटेड लैमिनेटेड पाउचेस जो हैं वो पर केजी के हिसाब से आते हैं। मिनिमम क्वांटिटी आपको जो होती है वो रहती है 250 किलो। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो दैट वेरीज टू 190 to 200 रुपीज़, ये वेरी करता है। मैं रफली अगर एक 200 रुपए से भी कैलकुलेट करूं तो 200 रुपए पर किलो पाउच का रेट है और इनटू 250 किलो मेरा मिनिमम ऑर्डर है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके पाउचेस का खर्चा है, वो भी एक साइज़। अगर आप आधा किलो का बनाएंगे तो 50,000 लगेंगे, एक किलो का बनाएंगे तो 50,000 लगेंगे, और 10 रुपए वाला बनाएंगे तो 50,000 लगेंगे। मतलब तीन साइज़ के लिए यू हैव टू पे 1,50,000 प्लस सिलेंडर कॉस्ट, और जो सिलेंडर कॉस्ट है वो आपकी है 90,000। तो 90,000 1,50,000 सो दैट विल बी कॉस्ट यू अराउंड, तो 2,40,000 रुपए आपका सिर्फ पाउचेस का इन्वेस्टमेंट है। और हम पहले अभी मशीन्स की बात कर रहे थे तो इनिशियल सेटअप मशीन का भी आपको 1,00,000 रुपए में मिल जाएगा, बट द मेजर इन्वेस्टमेंट इज़ योर पाउच। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड हो आप स्टार्टअप उससे भी कर सकते हैं। सपोज़ आपके यहाँ आधा किलो का डिमांड नहीं है तो आप एक किलो का बनाएं, एक किलो से मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। 10 रुपीज़ भी काफ़ी सेलिंग में, बहुत सारी जगह जहाँ पे रूरल एरिया है वहाँ पे बड़े पैकेट्स नहीं चलते हैं तो छोटे पैकेट चलते हैं, तो वहाँ पे भी आपका 10 रुपये का पाउच ईजिली बिकता है। यहाँ आप अपनी कॉस्टिंग बचा सकते हैं कि भाई अगर मैं तीन बना रहा हूँ तो तीन की जगह मैं दो कर सकता हूँ, या स्टार्टअप में एक से भी कर सकता हूँ। पैकिंग मटेरियल में एक चीज़ और लगती है, वो है होते हैं पीपी बैग्स। पाउच बना लेंगे तो हमें इसके 25 किलो के अलग अलग बैग्स बनाने पड़ेंगे, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़, अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अब ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा टॉपिक है जो शायद हर दुनिया ढूंढने में लगी हुई है। आपको बस केमिकल्स की नॉलेज चाहिए, गूगल पर सर्च करें डिटर्जेंट बनाने के लिए क्या केमिकल्स हैं, सारी लिस्ट आ जाएगी। देर आर सो मैनी वेज, बहुत तरीके हैं पाउडर्स बनाने के, अलग अलग फॉर्मुलेशन होते हैं। बट जहाँ तक अच्छी क्वालिटी की बात करें या कुछ करें तो उसमें 8 से 10 केमिकल्स उसमें लगते ही हैं। जो केमिकल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमें किस क्वालिटी का अभी पाउडर बनाना है। जैसे सपोज करें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर मैं पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि हर कोई सबसे पहला सवाल होता है, मुझे बनाना है सर्फ एक्सेल जैसा, मुझे बनाना है एरियल टाइट जैसा। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप डोंट गो फॉर अ हाई रेंज पाउडर या हाई सेगमेंट पाउडर जिसको अभी आपको सेल करने में बहुत इश्यूज आ सकते हैं। ये बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी बड़ी एडवर्टीजमेंट टीम होती है, ये बहुत बड़ा प्रमोशन करते हैं, क्वालिटी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हर चीज़ वो उस पैरामीटर्स पे लेके चलते हैं तभी वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाते हैं। सर्फ एक्सेल फॉर एग्जांपल 100 रुपये किलो का है और आप अपना प्रोडक्ट उसी की कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, उससे सस्ता निकाल रहे हैं, चाहे वो 10 रुपये कम हो या 20 रुपये कम हो, बट फिर भी जो बायर है वो एक बार सोचता है कि मैं क्यों इतना खर्चा करूँ एक नॉन ब्रांड पे जब मुझे एक वेल नोन ब्रांड मिल रहा है। उनका एक ऑलरेडी मार्केट सेट है, तो उनके कस्टमर्स को लेना अभी हमारे लिए मुश्किल होगा बिकॉज वी आर अननोन ब्रांड। जब हमारा एक ब्रांड सेट एस्टेब्लिश हो जाएगा देन वी कैन गो फॉर सम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इट्स माय सजेशन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं भी एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हूँ। तो अगर सपोज मैं एक मिड सेगमेंट पाउडर की बात कर रहा हूँ तो ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो 55 to 60 रुपीज़ की रेंज में हैं, एक मिड सेगमेंट में आते हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स मिलते हैं। अगर आप ये इस सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी आपके पास है, बट विद दैट राइट इन्फॉर्मेशन विद द राइट फॉर्मुलेशन हम अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं और इनसे कम में भी दे सकते हैं। मिड सेगमेंट की बात करें तो 50 रुपये का जो पाउडर उसकी RMC कॉस्ट यू विल गेट इन 25 रुपीज़। अब मैं इसको कम भी बता सकता हूँ, बोलूँगा साहब 20 रुपये में बन जाता है, बट द पाउडर की क्वालिटी उसकी एक्टिवनेस से रहती है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप घड़ी का पाउडर उठाएं तो आज उसकी जो जितना AD है, एक्टिव डिटर्जेंट जो उसमें है, उसके कंपैरिजन में बनाना है तो कॉस्टिंग इतनी जाएगी। अगर मैं घड़ी के इक्विवेलेंट, तो आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे, हाउ विल यू प्रूव इट? कोई भी आपको बोलता है ये घड़ी का फॉर्मूला है, आप ले लीजिए, ऐसे ऐसे केमिकल मिलाएंगे बन जाएगा, और आप मान लेंगे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। उसकी कुछ टाइट्रेशन मेथड्स होती हैं, उसमें उसके फॉर्मुलेशन से, उसके कैलकुलेशन से, परसेंटेज से डिसाइड होता है कि उसमें कितना एक्टिव डिटर्जेंट है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी RMC कॉस्ट है वो 25 रुपये जाती है। फिनिश गुड है जिसमें हमारा लेबर, पावर, पाउच, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
जीएसटी हम सब चीज़ें ऐड करते हैं तो दैट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 31 रुपीज़। अगर आप उसको डायरेक्ट किसी रिटेलर को या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो यू हैव अ डिसेंट मार्जिन, 7-8 रुपीज़ आप उसमें रख के पर किलो पे आप उसको ईजिली सेल आउट कर सकते हैं। 25 रुपये का जो फॉर्मुलेशन है उसमें केमिकल्स बिल्कुल अलग आएंगे, अगर मैं हाई रेंज में जा रहा हूँ तो उसमें कुछ केमिकल्स के इंग्रेडिएंट चेंज हो जाएंगे, और अगर मैं लो में जा रहा हूँ तो उसमें भी कुछ केमिकल्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब फॉर्मुलेशन हर किसी के लिए अलग अलग है, तो मैं एक फॉर्मुलेशन को लेकर सारी लाइफ अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकता हूँ। सो आई नीड टू कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वहाँ का वाटर हार्डनेस कितना है, वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, ये सारी चीज़ों को हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा रख के हमारे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर हम इनिशियल सेटअप वो छोटा भी लेते हैं तो पर डे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर डे से ही आप 2-3 टन माल बेचने लग जाएंगे। पर डे मेरा टारगेट है कि मैं 500 किलो माल बनाऊँगा, तो 500 किलो 500 kg into 30 डेज दैट इज़ 15,000 किलो, मतलब 15 टन माल आप एक महीने में यूज़ करें। 15 टन मुझे क्या एक ही बार में लेना है, दो बार में लेना है, इट्स अप टू योर चॉइस, क्योंकि आप जितना बल्क में लेंगे उतनी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बार बार आपको कम पड़ेगी, मेरी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी में उसका इफेक्ट आएगा। जहाँ से आपको ट्रस्ट हो, रिलायबिलिटी हो, वहीं से आप लें, और केमिकल्स को अच्छी बल्क क्वांटिटी में लें ताकि आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम लगे। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, 15 टन मुझे माल चाहिए, मेरे रॉ मटेरियल का पर डे का जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ है, तो 15,000 इंटू 25 दैट इज़ 375,000। अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट जितने भी लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ या बात करता हूँ उनका मेन फोकस होता है सस्ती मशीन कहाँ मिलेगी, सस्ती मशीन कहाँ मिलेगी, जबकि मशीन में तो आपका इतना इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है पाउचेज में, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है रॉ मटेरियल में। वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, प्राइस की बात करते हैं और उसके बाद टेक्निकल कोई बात ही नहीं करता है, भाई मशीन का डायमेंशन क्या है, मोटर कितने एचपी की है, ब्रांडेड है या लोकल है, गेयरबॉक्स कौन सा लगा हुआ है उसके अंदर, शीट कितनी हैवी यूज़ कर रहे हैं, इस बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, हम बस प्राइस देखते हैं, सस्ता मिल रहा है ले लो। ये सस्ती चीज़ें आपको बाद में महंगी पड़ सकती हैं, मशीन इज़ द थिंग वो आप बार बार नहीं ले सकते, वो दिस इज़ योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, पाउचेज और रॉ मटेरियल दिस इज़ योर वर्किंग कैपिटल, ये आपको हर महीने लेना है, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं एज वी आर अ कंसल्टेंट, हम आपको केमिकल्स भी देते हैं और उस केमिकल का नॉलेज भी देते हैं। सपोज़ करिए मुझे लैप्सा चाहिए, इसको एसिड स्लरी बोलते हैं, 90% हमें इसको चाहिए होता है, हमें डिटर्जेंट की अच्छी ग्रेड के लिए 90% स्लरी आप कैसे चेक करेंगे, या तो आप उस सैंपल को लें, लैब में जाएं, उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट कराएं, और फिर उसके बाद 8 दिन बाद आपको पता चलेगा कि ये 90% है या नहीं है। प्लस अगर वो 85% है, कोई 80% दे रहा है, तो भी आपको पता नहीं चल पाएगा, दैट इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसमें आपको श्योर होना पड़ेगा, एंड हाउ विल यू श्योर इट जब आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो इसीलिए हम आपको अश्योरिटी देते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग अस एज अ कंसल्टेंट, तो हम आपको हमेशा जेन्युइनिटी के साथ में आपको वो प्रोडक्ट दूंगा, ताकि आप अपने बिजनेस में कहीं भी लैकडाउन ना करें। आप बाइंग केमिकल फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन्स हो गई, पैकिंग मटेरियल हो गया, द थर्ड पार्ट इज़ माई रॉ मटेरियल, ये भी हो गया, एंड नाउ द फोर्थ, कल से ये ऐसा पार्ट है विच इज़ हम शायद इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है, दैट इज़ फॉर्मुलेशन। मेरे पास नेट पे तो हमारे पास ढेर सारे फॉर्मुलेशन है, भाई साहब आपको ये मिलाना है, ये मिलाना है, आपका पाउडर तैयार। लेकिन मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए, अगर वो पाउडर या जो वो फॉर्मुलेशन आपको नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्या उसके बिहाफ पे आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जो आप यहाँ पे 4-5 लाख रुपीज़ लगा रहे हैं जस्ट ऑफ दैट फ्री कंटेंट, क्या वो आपको बिजनेस में सक्सेस दिला सकता है, इसकी श्योरिटी है? नहीं देगा, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती है। और लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मशीन्स वाले हैं या रॉ मटेरियल फॉर्मूले, वो बोलेंगे कि ये आप फॉर्मुलेशन ले लीजिए और आप इससे बना लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि साहब अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना तो मैं उसके लिए लायबल हूँ, शायद वो कोई ऐसा नहीं बोलेगा। हम आपको जेन्युइनिटी के साथ, गारंटी के साथ आपको बोलते हैं कि जो हम बता रहे हैं वही प्रोडक्ट बनेगा, ये कोई भी सिर्फ हवा में कहने वाली बातें नहीं है, विद
और एक्सपीरियंसेस एक्सपर्ट्स लोग हैं हमारे पास, वो इस चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। अब वो हेल्प कैसे करते हैं, सिंपल वे में, कि आपको हर केमिकल्स की एक थोड़ी सी एक ब्रीफ नॉलेज देते हैं। पूरी केमिस्ट्री तो आप पढ़ नहीं सकते, आपको मैं कुछ फॉर्मुलेशन के पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उस चार्ट के थ्रू आप एक स्लाइटली थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हमें डिटर्जेंट को डिज़ाइन कैसे करना है। यस वी हैव।